मेरे लिए दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़ा रिश्ता मेरे भगवान का रिश्ता, बाकी दुनिया का रिश्ता सब बाद में है, पहले रिश्ता भगवान का है। इसलिए मैं सबसे कीमती समय भी अगर किसी को दूंगा तो भगवान को दूंगा, और जब भगवान की बंदगी कर रहा हूंगा, भगवान की भक्ति कर रहा हूंगा, उस समय में कोई भी मिलने के लिए आ जाए मैं उसे महत्व बाद में दूंगा, पहले महत्व अपने भगवान को दूंगा। इसलिए मेरे लिए पहले भगवान है, दुनिया बाद में है। तो इसका मतलब है आप भगवान के चाहने वाले हैं, भगवान से चाहने वाले नहीं। भगवान से जो चाहते हैं वो तो मतलब के लिए, और जो मतलब के लिए होते हैं उन लोगों को आपने देखा होगा कि जब तक कोई कुर्सी पर बैठा हुआ है लोग उसका सम्मान करते हैं, कुर्सी पर उतरते ही हालत खराब हो जाती है। एक जट व्यक्ति बहुत प्रेम से एक तहसीलदार को, पहले पटवारी और तहसीलदार होते थे ना, अब भी होते हैं पर पहले टाइम में उनका महत्व बहुत होता था, तो जमीन वमीन के काम करा रहा था, खेत में उसको बैठाया हुआ था और मक्का के दाने भुट्टे में से निकाल निकाल के उसके हाथ पे रखता जाता था। चमचागिरी करते हैं लोग, और वो जैसे निकाल कर दाने दे तहसीलदार साहब खाते जाएं, इतनी देर में एक भागता हुआ आदमी आया, उसने आकर उसको एक लिफाफा पकड़ाया तहसीलदार को। तहसीलदार ने उसको पढ़ा, लंबी सांस खींची। इस किसान ने पूछा साहब क्या हुआ? बोले मेरे ट्रांसफर का ऑर्डर आ गया है, अब यहाँ कोई और आएगा। तो इसने वो जो भुट्टे के दाने निकाले थे ना मक्की के, अभी उसके हाथ में देने ही लग रहा था, इतनी देर में इसने अपने मुंह में डाल लिया। तहसीलदार बोलता है मुझे क्यों नहीं दे रहा? बोले साहब अगले दाने तो अगले वाले को ही खिलाएंगे जब वो आ जाएगा, अब आप हमारे काम के थोड़ी हैं। जिससे जो कुछ मिल रहा है तब तक आप उसकी परिक्रमा कर रहे हो, जैसे वो देना बंद कर देता है तो उसके इर्द गिर्द घूमना बंद कर देते हो। माँ बाप भी जब तक दे रहे हैं तब तक पूछ और है, जिस दिन वो बेचारे कमाना छोड़ देते हैं, रिटायर हो जाए ना व्यक्ति, रिटायर होने के बाद हालत होती है। एक सज्जन ने आके मुझे बताया, बोले जी कोई काम दीजिए आपके यहीं सेवा कर लेंगे। मैंने कहा क्या हुआ? बोले वो आदत थी जो सुबह सुबह बैग लेकर घर से निकलते थे, अब तो रिटायर हुए एक हफ्ता हुआ, तो जिस दिन रिटायर हुए थे अगले दिन पूरी छुट्टी, घर में आकर बैठे हुए। अब मैं नहाने के लिए जाऊं तो बहू कहे पिताजी बच्चों को स्कूल जाना, पहले इनको तैयार होने दीजिए, आप तब तक जो है दूध ले आइए जाकर। और दूध लेने चले गए। उसके बाद मैं फिर नहाने के लिए तैयार हुआ तो फिर बहू आ गई आगे कि इनको भी ऑफिस में जाना है, आप सब्जी ले आइए, आप तो खाली हैं, आपने तो कहीं जाना ही नहीं। मैंने सोचा चलो सहयोग कर देते हैं, सब्जी लेकर के जैसे ही मैं आया तो आते ही जैसे मैं तैयार होने लगा, बोले आप जरा बच्चे को देख लीजिए, मैं नहा के तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद आप तो हैं ही यहाँ पर। अब 12 बज गए, नाश्ता तक नहीं मिला। जब मैं बोला कि नाश्ता दीजिए, बोले अब तो खाना बनने ही लग रहा है, भोजन कर लेना इकट्ठे। 1 बजे जाके खाना मिला, बोले अच्छे रिटायर हुए हैं भाई, किसी काम के नहीं रहे। मैं उनकी तरफ देखकर बोला, मैंने कहा रिटायर हो जाना तो कोई बात नहीं, लेकिन टायर्ड नहीं होना चाहिए, थकावट नहीं आनी चाहिए, रिटायर तो हर कोई हो जाता है। ये ध्यान रख लीजिए, जब तक आप इस दुनिया में उपयोगी बने हुए हैं आपकी कद्र और है, जब तक आप दे रहे हैं तब तक इज्जत और है। जिस दिन आपने हाथ फैला दिया स्थिति बदल जाएगी। इसलिए मैं आपसे एक बात हमेशा सबको कहा करता हूँ कि कितनी भी उम्र आपकी हो जाए, एक तो अपने आप को उपयोगी बनाए रखो, दूसरी बात अपने बच्चों को सब कुछ बांट देना, लेकिन अपने पास इतना जरूर रखना कि बुढ़ापे में आपको बच्चों से मांगना ना पड़े, क्योंकि जब आप मांगने लग जाते हैं तो आपका मान भी घट जाता है।
इसलिए देने वाले बनकर जीना, मांगने वाले बनकर के नहीं जीना, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि बेटा कितना भी लायक क्यों ना हो, तब भी आपको जब उससे लेना पड़ता है ना, उसका मूड देखते रहोगे। आज मूड ठीक है, इस समय बोल देता हूँ, बेटा कुछ जरूरत है मुझे। उसके बाद भी ये देखना पड़ता है कि इसकी पत्नी तो नहीं देख रही कहीं। अगर पत्नी देख रही है तो आदमी वहीं रुक जाता है कि ये रोक देगी या कहीं कुछ बोल देगी। उन लोगों को भी देखा है जो अपने पिताजी को कुछ देना चाहते हैं लेकिन घर में दे नहीं सकते, नहीं तो घर में कलह होगी। तो बनियान और लुंगी पहन करके पार्क में टहलने गया और पैसे वहीं लुंगी में लपेट के रखे हुए थे। पिताजी को भी कहा चलो दोनों सैर करेंगे, और वहीं सैर करते करते पिताजी के हाथ में पैसे पकड़ाए। बेटा इतना डरता क्यों है? बोले बेइज्जती से डरते हैं, घर में कलेश होगा 3 दिन तक। आप सोच सकते हैं, लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, दूसरों के खराब होंगे। जमाने में जब हवा चलती है ना कलयुग की, तो ऐसा नहीं है कि एक ही घर में लगती है, किसी घर में थोड़ी ज्यादा लग जाती है, किसी में कम लगती है। इसलिए ध्यान रख लेना, आखिरी तक कमाऊ बनकर जीना है और अपनी कमाई सब कुछ दे देना, लेकिन इतना हाथ में जरूर रखना कि अपने बच्चे के आगे भी हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़ जाए। आखिरी तक भी इज्जत के साथ जीने की कोशिश करना। और ये भी बात याद रखिए कि अपने बेटे को धन देकर अमीर बनाने की चेष्टा कभी मत करो। रिपीट कर रहा हूं, अपने बेटे को पैसा देकर अमीर बनाने की चेष्टा मत कीजिए। धन देकर अमीर नहीं बनाइए, बल्कि धन कमाने की विद्या सिखाकर उसे अमीर बनाइए। जिंदगी भर के लिए अमीर रहेगा। कमाना सिखाओ उनको। अगर आप कमाना नहीं सिखाते हैं और बस ये सोचते हैं कि इतना कमा दिया मैंने कि बच्चे जो है आगे तक के लिए अमीर ही अमीर रहेंगे, अमीरी किसी की टिकती नहीं। अगर बच्चा कमाने वाला है, बढ़ाना जानता है, तो दुर्भाग्य की छाया कितनी भी आ जाए दोबारा फिर खड़ा हो जाएगा। इसलिए बड़ी अजीब बात है, ये ध्यान रख लेना। जिन लोगों की लॉटरी लगी 5-5 करोड़ रुपए तक कमाए लोगों ने लॉटरी में, या फिर वो ऐसे खेल कौन बनेगा करोड़पति, उन लोगों का पूरा इतिहास देख लीजिए, दोबारा फिर वहीं आ गए जहां कल खड़े हुए थे। उनके बारे में सोच लीजिए जिनकी जमीनें जो है मेन रोड पर आ गई और बहुत अच्छी कीमत में बिक गई और पैसा बहुत सारा आ गया, 10-12 साल के बाद में उनको देखते हैं वो फिर वहीं खड़े हो गए आकर। क्योंकि पैसा तो हाथ में आ गया लेकिन कमाने की विद्या तो नहीं थी ना। ये लक्ष्मी कभी किसी के हाथ में टिकती नहीं, इसलिए लक्ष्मी को चंचला कहा गया है। इसका करंट बड़ा तेज बहता है, ये प्रवाह बहुत तेज बहता है। कहते हैं ना कि जब लक्ष्मी जी कमल से पैदा हुई तो उनके पांव में कांटा लग गया, लंगड़ा के चलने लग गए। अब लंगड़ा के चलती हैं तो किसी का भी सहारा लेती हैं, मतलब जो भी सामने आ गया तो किसी के घर में भी जा सकते हैं, लेकिन टिकते नहीं किसी के यहां। एक बार लक्ष्मी जी भगवान नारायण के पांव दबा रहे, इतने देर में शनिदेव आ गए। शनिदेव ने आते ही कहा कि नारायण आपका नाम जपवाने में हमारी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि लोगों के भाग्य की परीक्षा हम लोग करते हैं। आदमी के ऊपर 2-2.5 साल से लेकर के 7.5 साल तक प्रभाव डालते हैं, और उन दिनों आदमी सारे मंदिरों के चक्कर काटता हुआ घूमता है। तो सबसे ज्यादा नाम आपका जपाने में हमारा योगदान है, तो थोड़ी हमारी भी तारीफ कर दीजिए, शाबाशी दे दीजिए। नारायण भगवान उसके लिए कुछ बोलने ही लग रहे थे, लक्ष्मी माता ने देखा काला स्वरूप है शनिदेव का, तो अजीब ढंग से उनकी तरफ देखा
और नारायण प्रभु ने बोल दिया कि शनि तुम्हारी बड़ी शोभा है। अब शोभा नाम लक्ष्मी का है, लक्ष्मी माता बोली अगर इसकी शोभा है तो फिर हमारा नाम बदल दीजिए, और ये निश्चय हो जाना चाहिए कि दोनों में से किसकी शोभा है, कौन अच्छा लगता है। और कहते हैं कि भगवान नारायण को समझ में आ गया कि अब इनका फैसला कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो शनि नाराज हो गया तो ये कहीं जब रुकता है तो कम से कम 2.5 साल, और ज़्यादा देर रुक जाए तो 7.5 साल से पहले तो हिलता नहीं। नारायण भगवान ने कहा ऐसा करो, दोनों के दोनों सामने जो पेड़ है वहाँ पर हाथ लगा कर आओ, जो जल्दी आ जाएगा पहले आ जाएगा उसके अनुसार फैसला करें। तो लक्ष्मी माता तो तेज चलती हैं, तेजी से गई और हाथ लगाकर वापस आने लगी, और शनि का तो मतलब ही शनि शनैर गच्छति हिति शनि, जो धीरे धीरे चलता है। तो शनि अभी जा ही रहा था, लक्ष्मी तब तक हाथ लगाकर आ गई। अभी बीच में लक्ष्मी आ ही रही थी, इतनी देर में चिल्लाया शनि, बोले मेरे साथ चालाकी हुई है, आप तो जानते थे मैं धीरे चलता हूं, और इनका भी पता ये बहुत तेज चलती हैं। विष्णु भगवान बोले दोनों वहीं रुक जाओ और सुनो, दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन कब। नारायण भगवान ने कहा शनि तुम बहुत अच्छे लगते हो लेकिन जाते हुए, और लक्ष्मी तुम भी अच्छी लगती हो लेकिन आते हुए, जाती भी लक्ष्मी किसी को अच्छी नहीं लगती। जब आप आते हो तो आती भी लक्ष्मी बहुत सुख देती है, जाती भी नहीं देती। और शनि जब जा रहा होता है, दुख जब भी जीवन से जाएगा तो सुख देकर जाएगा, इसलिए कहते ना कि दुख जब भी जाएगा जाते हुए ये कहकर जाता है कि जा रहा हूं, सुख का हाथ पकड़ा कर जा रहा हूं, लेकिन इस सुख की कद्र कर लेना क्योंकि ये मेरी मेहरबानी से नहीं आ रहा, ये ऊपर वाले की मेहरबानी से आ रहा है। दुख जाते हुए सुख का हाथ पकड़ाकर जाता है और ये कहता है कि सुख तेरी जिंदगी में आ रहा है, ये तेरे कारण नहीं आ रहा, ये ऊपर वाले की मेहरबानी से आ रहा है, इसकी कद्र कर लेना, उस मालिक को याद रखना, नहीं तो दोबारा याद कराने के लिए मुझे आना पड़ेगा। और जब सुख जाता है तो ये कहकर जाता है मेरी कद्र नहीं कर पाए, अब ऐसे का हाथ पकड़ाकर जा रहा हूं कि अब तुम्हें सिर्फ भगवान ही याद आएगा, बाकी दुनिया याद नहीं आएगी, इसलिए याद रखिए परमात्मा आपके जीवन में अगर शक्ति बनकर है तो कैसी भी स्थिति क्यों ना हो परमात्मा का कवच आपकी सुरक्षा करता है। और जब ये कृपा नहीं होती तो ये ध्यान रख लीजिए छोटा सा दुख भी आपको जमीन पर गिरा देता है, इसलिए परमात्मा की भक्ति करते हुए उस सुरक्षा कवच को जीवन में धारण करो जो आपको हर पल सुरक्षित करता है। तो आपको सुनाने लगा हूं, भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि कौन है वो जिनको मैं अपना प्रिय पात्र मानता हूं, मेरे प्रिय लोगों की पहचान क्या है। तो अब ध्यान से आप लोग सुनते जाना, और हो सके तो गीता के 12वें अध्याय के 8 श्लोक ऐसे हैं जिनको अमृताष्टकम कहा जाता है, 8 अमृत हैं वहां, उनको आप लोग चिंतन करें, उससे ये पता लगेगा कि भगवान का प्रिय पात्र कैसा होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे प्रिय पात्र की पहचान क्या है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सुख दुख क्षम क्षमी। एक एक शब्द पर ध्यान देते जाना कि जो बैर रहित है मतलब प्रेम से भरपूर है, जिसके जीवन में द्वेष नहीं है बैर नहीं है वो मेरा प्रिय पात्र है, भक्ति जिंदगी में उसी के टिकेगी,
जो बैर भावना से ऊपर उठा हुआ है, ईर्ष्या द्वेष में बैर में जला हुआ हृदय भगवान की भक्ति भी करने बैठेगा तो भगवान को भी अपने साथ उसी बैर में शत्रुता में शामिल करना चाहता है कि भगवान मैं तो इससे बदला ले नहीं पाया लेकिन आप जरूर लेना, क्योंकि आपके भक्त की भी परीक्षा हो रही है। ऐसे दुष्टों को तो ऐसा मजा चखाओ भगवान उजड़ जाए यहां से। पता लगा बैर वाले आदमी की भक्ति भी बैर से बंध जाती है और प्रेम वाले व्यक्ति की भक्ति प्रेम से भरी हुई होती है। वो कहता है कि प्रभु सबका भला होना चाहिए, तेरे भाने सर्वदा भला। जिसके अंदर परमात्मा की भक्ति उतरी हुई है वो परमात्मा से मिले हुए दुख को भी उसका प्रसाद मानेगा। जो तुद भावे साईं भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। भावना ही बदल गई। जो तुम्हें अच्छा लगे वही ठीक है, जो तुम दो वही शुभ है, जो तेरी इच्छा है वही पूरी हो जाए, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। जहां व्यक्ति के अंदर प्रेम है वहां भावना ही बदल गई। तो ध्यान से एक एक शब्द पर ध्यान देते हुए विचार करना कि भगवान अपने प्रिय पात्र की पहचान बता रहे हैं कि मेरे प्यारे लोगों की पहचान क्या है। मतलब मंदिरों में जाने वाले तो बहुत हैं पर वे लोग जिनकी भक्ति परवान चढ़ती है, जिन पर उसकी कृपा बरसती है, एक वे हैं जो मंदिर में भी जाए भगवान नहीं मिलता और एक वो है भगवान मंदिर से बाहर आकर जिसे मिला करता है, वो व्यक्ति परमात्मा का प्रिय पात्र है। विश्व में अनाथ समस्या भयावह है, भारत में अनाथ लावारिस बच्चों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। बेबस लाचार भोले बचपन को आपके प्रेम और सहयोग की जरूरत है। हम सूरत, गुजरात और कानपुर, उत्तर प्रदेश में 2 अनाथालय चलाते हैं। अत्यंत गरीब 1000 बालक बालिकाओं के लिए फरीदाबाद हरियाणा में ज्ञानोदय विद्यालय और झारखंड प्रदेश में नक्सली समस्या आतंक ग्रस्त क्षेत्र में आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए 2 स्कूल संचालित करते हैं। इस महान कार्य के लिए आपके आर्थिक सहयोग से इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। यदि आप विश्व जागृति मिशन के इन बाल विकास योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें विश्व जागृति मिशन आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली 110041, दूरभाष 011-4710-4610-28-34-5656 और 28-34-47-67, टोल फ्री नंबर 1800-11-8188। जीवन संचेतना, लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में। सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन
आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली।